फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीजर की क्लास। आज हम आपके लिए दो एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आए हैं और हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में दो क्वेश्चन होंगे जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। तो पहला स्ट्रक्चर है क्या जाता है और कुछ नहीं जाता। आप हमेशा बोलते हैं पढ़ने में क्या जाता है, खेलने में क्या जाता है, या सीखने में क्या जाता है, या पढ़ने में कुछ नहीं जाता। कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले, चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या जाता है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हाट गोज टू। कुछ नहीं जाता, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है नथिंग गोज टू। तो रूल होता है व्हाट गोज टू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू इन्फिनिटिव है, और नथिंग गोज टू इसके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। बोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू स्पीक। पढ़ने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू स्टडी। देखने में कुछ नहीं जाता है, नथिंग गोज टू सी। सुनने में कुछ नहीं जाता है, नथिंग गोज टू लिसन। पढ़ने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू स्टडी। करने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू डू। दो सेंटेंस आपके लिए जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। सीखने में क्या जाता है और सीखने में कुछ नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि, इसका इंग्लिश होता है इट्स नॉट डैट। तो रूल होता है सबसे पहले इट्स नॉट डैट को लिखेंगे, इसके बाद आप मेन सेंटेंस को लिख देंगे। मेन सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इट्स नॉट डैट आई डोंट हैव मनी। ऐसा नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है, इट्स नॉट डैट सी डजंट लव यू। ऐसा नहीं कि वो रोज मुझसे मिलने आता है, इट्स नॉट डैट ही कम्स टू मीट मी एवरी डे। ऐसा नहीं है कि मैं उसे जानता नहीं हूँ, इट्स नॉट डैट आई डोंट नो हिम। ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, इट्स नॉट डैट आई कांट स्पीक इंग्लिश। एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। ऐसा नहीं है कि भारत विश्व कप नहीं जीत सकता। तो वीडियो आपको कैसा लगा और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा उसका रिप्लाई आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।